उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ किस तरह चरम सीमा पर फैला हुआ है, इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब जिला अस्पताल में लेकर आए मरीज की मौत के बाद सरकारी शव वाहन को कॉल किया तो कई घंटे लग गए। उसके बाद आया तो परिजनों से 500 रुपए की मांग करने लगे जनाब। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सलेमपुर कोतवाली का मझौली रात, जहां के नसीम अंसारी की तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लाए, जहां तैनात डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजनों ने सरकारी 100 एम्बुलेंस के लिए कॉल किया तो घंटों बीत जाने के बाद भी नहीं आए। इस बात की जानकारी जब परिजनों ने संबंधित अधिकारियों को कॉल किया, जिसके बाद एम्बुलेंस पहुंचा, वहीं एम्बुलेंस चालक ने परिजनों से 500 रुपए की मांग करने लगे, जिसकी शिकायत अधिकारियों से परिजनों ने किया। ये ड्रामा कई घंटों चलने के बाद आखिरकार परिजनों को सरकारी शव वाहन मिला। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शव पहुंचाने के लिए कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। एक सूचना हमको फोन से मिली थी कि ऐसी समस्या आ रही है, तो हमने अपने निजी ड्राइवर को भेजा, हमने कहा तुरंत शव को भेजो, वो गया शव को भिजवा दिया है। अगर इस कोई समस्या है तो जांच करके सख्त कार्रवाई करें। सर ड्राइवर से बात तो ये कर रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने से हाँ समस्या आ रही है, कुछ मानव समुदाय से मामला लगा हुआ है, लेकिन बिल बन गई है, कल ट्रेजरी चली गई, हो सकता है आज भुगतान। आज मैंने 100 नंबर वैन को मैंने बुलाया, वाहन की एक डेड बॉडी ले जानी थी, हमारे गांव के ही शिक्षा लगते हैं, उनका देहांत हो गया था। मैं हॉस्पिटल आया 9:12 पे, देहांत हुआ 9:25 पे। देहांत के उपरांत मैंने जो है शव वाली वैन के ड्राइवर का मैंने नंबर जितेंद्र जी का मैंने डायल किया। डायल करने के बाद यहाँ ड्राइवर लोग यहीं खड़े थे जिला अस्पताल के ही बाहर, मैंने देखा तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। आने के बाद मैं गया तो पता चला कि 500 रुपये दीजिए तो गाड़ी मैं भेज दे रहा हूँ। मैंने कहा कि आप 500 रुपये किस बात का? उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, और वेतन जब नहीं मिला तो हम खाएंगे कैसे। हमने कहा भैया ये चीज़ आम आदमी से आप कहेंगे तो ये उचित नहीं है। यहाँ जिला अधिकारी हैं, CMO साहब हैं, CMA साहब हैं, सभी लोगों से कहिए कि आपका वेतन समय से दें। उसने कहा कि ठीक है आप तो व्यवस्था करिए। तो मैं CMO साहब के पास गया, CMO साहब से मुलाकात में ऑफिस खुला हुआ था मगर उस चैम्बर में कोई नहीं बैठा था। क्या क्या बता रहे हैं, मतलब किस लिए पैसे मांग रहे हैं? तनख्वाह नहीं मिला, इसीलिए तनख्वाह नहीं मिला, इस वजह से करें कि हमारी जीविका कैसे चलेगी, तनख्वाह मिलेगा नहीं और हम गाड़ी चलाते रहे हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, इनका कहना ये था। जिनकी मौत हुई है वो कौन है, क्या नाम है? ये हमारे एक मित्र हैं नबीउल्लाह, उनके चाचा हैं, नसीम नाम था इनका, नसीम अंसारी। ये भाटपार उप जिला अधिकारी के ये जो है गार्ड थे, हैं, और इनका निधन जो हुआ। क्या तबीयत खराब थी, क्या हुआ ये घर पे? इनको तुरंत तत्कालिक जो है भोर में ही परेशानी शुरू हुई है। मैं यहाँ जिला अस्पताल तक मैं लेके आया हूँ, यहाँ आने के बाद 15-20 मिनट बहुत अच्छी तरीके से दवा ववा चला, उसके बाद उसी उपरांत बुक करके। सरकारी एम्बुलेंस का पैसा मांग रहे थे कि प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए पैसा? नहीं नहीं सरकारी एम्बुलेंस के लिए पैसा मांग रहे थे ये। क्या नाम था उस ड्राइवर का? भाई वहाँ फिरोज जी थे, जितेंद्र जी थे, सभी लोग वहीं थे, उन्हीं लोग में से लोगों ने मांगा। ठीक, धन्यवाद। किस पद पे हैं आप? ड्राइवर तो वहाँ जी। कब से तनख्वाह नहीं मिला? 1 सितंबर से अभी तक नहीं मिला, इसीलिए मतलब ये जो सौ वाहन चला रहे थे तो पैसा मांगा? नहीं, पैसा नहीं मांगे हैं। कौन बोल रहा है पैसा मांगे हैं? ठीक।